कपड़ों के बिना वजू किया और बाद में वजू कर रहे हैं, नहाए और बाद में वजू कर रहे हैं, क्या ये जायज है या नहीं? साहब इस सिलसिले में पहली बात है कि अगर कोई बंदा लिबास के साथ गुस्ल करता है, नहाता है, वजू करता है तो ये अफजल है। अल हया मिन अल ईमान, शर्म हया जो है ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन अगर किसी वजह से बगैर लिबास के नहाता है इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस सिलसिले में लाजमी शर्त यह है कि वो मकाम पर्दे का हो और दरवाज़ा बंद हो और कोई भी उसकी तरफ ना देख पाए, और जब बाहर आता है तो लिबास पहनकर कपड़े लपेट कर बाहर आए। अगर इन तमाम शरायत की पाबंदी करता है तो बंद मकाम पर वो बंदा किसी भी हालत में नहाए, कोई हर्ज नहीं। उस हालत में अगर वह गुस्ल कर इन्हें वजू करता है गुस्ल से फारिग होके या फिर गुस्ल से पहले, नहाने से पहले, नहाने के बाद में उसके जिस्म पर अगर ज़रा बराबर लिबास न हो तो उसका वजू अपनी जगह पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो लिबास की पाबंदी है वह नमाज के लिए ज़रूरी है, लोगों के सामने आने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वजू के लिए जो है सतर पोशी यानी अपने जिस्म को छुपाना ऐसी कोई शर्त शरई दलाइल में नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आप कपड़े पहने हो ज्यादा अच्छा है, बगैर लिबास के भी वजू करते हैं कोई हर्ज नहीं, वजू आपका बिल्कुल सही होगा।